सरकार ने यह फैसला किया है कि पोषण आहार संयंत्रों का संचालन अब महिला स्व सहायता समूहों के जरिए किया जाएगा। इसके जरिए उन्होंने आत्मनिर्भर बनाकर सशक्त उन्हें किया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। इसके बाद प्रदेश के पंचायत राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले इसका काम एमपी एग्रो किया करता था, जिसका फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया था, लेकिन इसमें ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा था। सरकार की सोच है ये काम महिला स्व सहायता समूहों के जरिए कराकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाए। प्रदेश में हर साल 700 करोड़ रुपए का पोषण आहार तैयार किया जाता है। ये जो 7 संयंत्र जिसमें बच्चों के लिए माताओं के लिए पोषण आहार वहां बनता है और करीब करीब 700 करोड़ की साल भर की ये योजना है, इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि हमारे जो स्व सहायता समूह हैं, हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि किस तरीके से उनका आर्थिक उत्थान हो सके, इसको लेकर कल की कैबिनेट की मीटिंग में ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। और इससे पूर्व 2018 में भी स्व सहायता समूह के द्वारा ही ये कार्य किया जाता था, किंतु कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद इसमें परिवर्तन किया गया। स्व सहायता समूह के से इस काम को छीनकर एमपी एग्रो को दिया गया, जिससे कि ठेकेदारों को उपकृत किया जा सके। जैसा आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए, तो उन्होंने कल की कैबिनेट की मीटिंग में इस निर्णय को पलटा। सारे मंत्रियों की इसमें सहमति रही और सभी ने पूरे उद्घोष के साथ इस निर्णय का स्वागत किया। अब ये 700 करोड़ रुपए साल का जो हमारा 7 संयंत्रों का कार्य है, ये सारा कार्य हमारे स्व सहायता समूह करेंगे, जिसका 5% लाभांश वहां के मेंटेनेंस में जाएगा और बाकी 95% जो लाभांश होगा वो स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्राप्त होगा।